हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो बेटा, लास्ट क्लास में क्या स्टडी की थी हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेंडर स्टडी किया था, ठीक है? जेंडर में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? जेंडर क्या होते हैं, ठीक है, कि जो ऐसे नाउंस, ठीक है, जो मेल या फीमेल होने के बारे में बताते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल होने के बारे में बताते हैं, क्या होता है? जेंडर होता है, ठीक है। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने कौन कौन से स्टडी कर लिए थे जेंडर? मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलाइन कौन से होते हैं? जो मेल को इंडिकेट करते हैं, जो मेल काइंड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? मस्कुलाइन। जैसे बॉय, ठीक है, जैसे मैन, जैसे किंग, ठीक है, ये किस में आते हैं? मेल में। देन सेकंड हम लोगों ने कौन सा स्टडी किया? सेकंड हम लोगों ने फेमिनाइन स्टडी किया, ठीक है। फेमिनाइन में हम लोगों ने क्या देखा था? कौन से होते हैं फेमिनाइन? जो फीमेल को इंडिकेट करते हैं, जो फीमेल काइंड को इंडिकेट करते हैं, वो नाउंस जो फीमेल काइंड को इंडिकेट करते हैं कौन से होते हैं? फेमिनाइन। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमन, लेडी, क्वीन, किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? फेमिनाइन में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, टेबल हम लोगों ने स्टडी की थी फिर, ठीक है, जो कि मैंने आपको लर्न करने के लिए दी थी, ठीक है। लर्न बेटा कर लेना, नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि आपके आगे की जो एक्सरसाइजेस है ना, इनमें बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है ये, ठीक है ना। सो आज हम लोग पढ़ते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन सा होता है, क्या होता है कॉमन जेंडर? सो कॉमन जेंडर कि ऐसे जेंडर जिसमें हम फीमेल्स को भी काउंट कर सकते हैं और मेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। कॉमन मतलब दोनों के लिए यूज हो रहा है वो, कॉमन मतलब दोनों के लिए यूज हो रहा है वो। सो कॉमन जेंडर, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, टीचर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ठीक है। तो टीचर बेटा जरूरी थोड़ी है मैडम ही मैडम होती हैं सारी टीचर, या फिर जरूरी नहीं है कि सर ही सर होते हैं सारे टीचर, जरूरी नहीं है ना। मैडम भी होती हैं और सर भी होते हैं, मतलब मेल टीचर भी होती हैं और फीमेल टीचर भी होती हैं, ठीक है। किस में आते हैं बेटा? कॉमन जेंडर में, ठीक है। जैसे डॉक्टर, ठीक है, तो किसी की मम्मी डॉक्टर होती है, किसी के पापा डॉक्टर होते हैं, ठीक है। सो मेल भी डॉक्टर होते हैं, फीमेल भी डॉक्टर होते हैं ना। किस में आ गया? कॉमन जेंडर में आ गया, आ गया। जैसे फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स या क्लासमेट्स, क्लासमेट्स कह सकते हैं। क्लासमेट्स बेटा जरूरी है क्या आप या तो लड़के लड़के ही पढ़ रहे हो क्लास में, या लड़कियां लड़कियां ही पढ़ रहे हो? ऐसा नहीं है ना, आप दोनों हो। लड़कियां भी पढ़ रही हैं क्लास में, लड़के भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि लड़के भी आपके क्लासमेट्स हैं और लड़कियां भी आपकी क्लासमेट्स हैं, ठीक है। किस में आ गया वो क्लासमेट? किस में आ गया? कॉमन जेंडर में, ठीक है। सो कॉमन जेंडर में कौन से आते हैं? जो जिसमें फीमेल्स को भी काउंट किया जा सकता है और मेल्स को भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया कॉमन जेंडर। एंड नाउ दैट रेफर्स टू बोथ अ फीमेल एंड अ मेल बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर, कि ऐसा नाउन जो कि दोनों के लिए, बोथ दोनों के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए? मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट में बेटा गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी स्टूडेंट्स होते हैं, गर्ल्स भी स्टूडेंट्स होती हैं, मतलब जो स्कूल में आएगा पढ़ने के लिए वो तो स्टूडेंट ही होंगे। फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स देखो, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आपके बॉयज ही फ्रेंड्स हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी गर्ल्स ही आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है। दोनों कंबाइंड है, कुछ गर्ल्स आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ बॉयज आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स किस में आता है? कॉमन जेंडर में। पेरेंट्स, पेरेंट्स मम्मी पापा, मम्मी किस में आएंगी? फेमिनाइन, ठीक है। पापा किस में आएंगे?
मास्कुलाइन, मेल और फीमेल, मम्मा क्या है फीमेल, पापा क्या है मेल, दोनों को एक में रखें तो पेरेंट्स हो जाएंगे ना, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके गार्जियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किस में आएंगे, कॉमन जेंडर में, ठीक है। सो ऐसे एग्जांपल्स किस में आते हैं बेटा, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब न्यूट्रल, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो अपने अकॉर्डिंग साइज में चेंज नहीं कर सकती, जो अपने अकॉर्डिंग चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकती कि उन्हें जैसा बना दिया वो वैसी ही रहेंगी, ठीक है। जो ब्रीथ नहीं कर सकती, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर सकती, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल पेन, एग्जाम्पल अगर मैं पेन लेती हूँ, सो पेन बेटा जैसा मैंने पेन को जैसे मैंने यहाँ रख दिया तो ये यहीं रहेगा, जब मैं इसे उठाऊंगी तभी तो ये उठेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये चल दिया, नहीं चला ना ये यहीं है, ठीक है। जब मैं इस पर कोई फोर्स या फ्रिक्शन डालूंगी, ठीक है, तभी तो ये मूवमेंट करेगा। जब मैं इस पर या तो फोर्स डालूंगी या फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स और फ्रिक्शन अगर इसके साथ होंगे तभी तो ये मूवमेंट करेगा। और फोर्स और फ्रिक्शन अकेले ऐसे रखे हुए ऑब्जेक्ट में फोर्स और फ्रिक्शन आ नहीं सकता, क्योंकि जब हम फोर्स देंगे तो फोर्स देने वाले तो हम हैं, ठीक है, और इसके साथ फ्रिक्शन इसका हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन कब हो रहा है, जब हम इसे फोर्स दे रहे हैं, तभी तो ये मूवमेंट कर रहा है, तभी तो पेन मूवमेंट कर रहा है। सो क्या होता है बेटा कि नॉन लिविंग थिंग्स हमेशा न्यूट्रल जेंडर होती है, जो कि जैसे आपके लंच बॉक्स, आपके बुक्स, आपके बैग, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है, बुक्स, बुक्स को आप खोलोगे तभी ये खुलेंगी, या फिर इन पे हवा आएगी ना तभी खुलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि रात को आप सो रहे हो और आपके पास आके बैठ जाती हैं, नहीं होता ना ऐसा। आप एग्जाम दे रहे हो और बुक आपके पास आके बैठ गई कि देख लो मुझ में से, ऐसा नहीं होता ना बेटा। सो न्यूट्रल जेंडर कौन से में आते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। डॉल, डॉल को बेटा कुछ कहते हैं कि डॉल तो मैम डांस करती है, बेटा वो डांस तब करती है ना जब हम उसे स्टार्ट करते हैं या फिर हम उसे रिमोट कंट्रोल से करते हैं, तब करती है ना वो, ऐसा तो है नहीं कि उसे हमने रखा है और वो स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता ना। फिर बैट, बैट को जब हम हिलाएंगे ना तभी वो हिलेगा, वरना आप घर पे ले जाके रख दो वो वैसा का वैसा ही रखा रहेगा सुबह तक, ठीक है, आप शाम को ले जाके रख दो सुबह तक वैसा का वैसा। बैग, आप स्कूल से जाते हो, जाते ही कॉर्नर में रख देते हो, ठीक है, आप अगर उसमें से बुक निकाल के होमवर्क भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो वो बैग आपको अगर आपने ले जाके शाम को जा रखा है ना वही रखा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आएगा कि लोग मुझे खोलो मुझसे बुक्स वगैरह निकालो और वर्क करो, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं कहेगा वो। सो बैग भी किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है, ठीक है। वर्क ड्रिल हम लोग कल करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपको ये जो बी वाला क्वेश्चन है ना ये आपको होमवर्क में करना है, जो क्वेश्चन नंबर बी है ना ये आपको होमवर्क में करना है। क्या है, राइट द मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउंस, कि आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर लिखने हैं, जो मस्कुलाइन में दिए हुए उनका फेमिनाइन और जो फेमिनाइन में दिए हुए उनका मस्कुलाइन लिखना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब ये पीछे आए हुए हैं बेटा, उस टेबल में आए हुए हैं, तभी मैं कह रही हूँ आपको कि ये टेबल लर्न कर लेना, ठीक है, ये आपके पीछे टेबल में आए हुए हैं, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये लर्न किया है तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एकदम से ही नहीं बताऊँगी, नहीं बता दूंगी, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कर लो, शायद हो जाए आपसे, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा वो, ओके। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पाते हो, या फिर लर्न तो देखो बेटा करनी ही है आपको, ठीक है। सो एक्सरसाइज हम लोग कल देखते हैं, ओके, बाय, गुड बाय।